सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच आए दिन होने वाले झगड़ों से परेशान हो गया है। हर दिन हमें दिल्ली सरकार के विवाद को ही सुनना पड़ता है। पहले किसी की इज्जत उतार दो और फिर मामला बढ़े तो माफी मांग लो। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल इस कला में मास्टर होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है जब भाजपा को बदनाम करने के मामले में फंसने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई है। जी हाँ, इस बार भी भाजपा के खिलाफ केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे। इससे पहले पश्चिमी बंगाल के संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में पश्चिमी बंगाल के अधिकारियों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल थे। इससे पहले राम मंदिर के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के वकील भी कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ही थे। अब फिर से केजरीवाल के माफी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी से जुड़े मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को माफीनामा पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा यह शिकायतकर्ताओं को तय करना होगा कि उसे माफीनामा स्वीकार है या नहीं। केजरीवाल पर यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो वाले एक ट्वीट को रीट्वीट करने के मामले में 2018 में यह केस दर्ज हुआ था। केजरीवाल ने इससे पहले माना कि यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो रीट्वीट करना उनकी गलती थी। कोर्ट अब 13 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगी। केजरीवाल की ओर से पेश कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ से कहा कि मुझे यह स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है कि यह एक गलती थी। इस पर जस्टिस खन्ना ने शिकायतकर्ता के वकील से पूछा कि सिंघवी मान रहे हैं कि यह एक गलती थी, क्या आप इस मामले को बंद करने के लिए सहमत हैं? शिकायतकर्ता के वकील ने पीठ से कहा कि वह इस पर निर्देश लेंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के मामले में कथित 2018 में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा शुरू किया गया। केजरीवाल के खिलाफ समन जारी हुआ जिसको रद्द कराने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ध्रुव राठी ने 2018 में एक ट्वीट करते हुए आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी नाम के ट्विटर पेज के संस्थापक और संचालक पर बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2 जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया था, जिससे इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए मुकदमा रद्द करने से मना कर दिया था कि ट्विटर पर केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ कही गई अपमानजनक बातों की पुष्टि किए बिना उसे रीट्वीट किया और करोड़ों लोगों तक फैलाया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मुकदमे पर अंतरिम रोक लगा दी है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए उसके कई दिग्गज नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस सरकार के समय मंत्री रहे दो नेता, एक पूर्व सांसद, 5 पूर्व विधायक सहित बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने वाले नेता, कार्यकर्ता, रिटायर्ड अफसर, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों की संख्या करीब 1370 बताई गई है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर राजस्थान कांग्रेस में सन्नाटा सा पसर गया। कांग्रेस के कई नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। रविवार 10 मार्च को सुबह 11:30 पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव के साथ रिजपाल शर्मा, विजयपाल मिर्दा, आलोक बेनीवाल, खिलाड़ी लाल बेरवा, रिजू झुनझुनवाला सहित कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली थी। 6 घंटे बाद शाम 5:30 पूर्व सीएम अशोक गहलोत की पहली प्रतिक्रिया आई। गहलोत ने कहा कि जिन नेताओं को कांग्रेस ने पहचान दी वे केंद्रीय एजेंसियों के डर से भाजपा में जा रहे हैं। रात्रि 8 बजे तक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अशोक गहलोत ने शाम 5:30 अपने ट्विटर पेज पर पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं उन्हें कांग्रेस ने पहचान दी।
केंद्रीय मंत्री राज्य में मंत्री बनाया, पार्टी में बड़े पदों पर बिठाया, परंतु पार्टी के मुश्किल वक्त में वो पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव है, इसलिए भाजपा में जा रहे हैं। यह वक्त किसी दबाव के आगे झुकने का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने और देश के भविष्य के लिए संघर्ष करने का है। अशोक गहलोत ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि हमें गांधी परिवार से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिनमें राहुल गांधी और पूरे परिवार को कई कई दिनों तक ईडी ने पूछताछ के बहाने परेशान किया, उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी और घर तक खाली करवा दिया था, लेकिन वो हर दबाव का मुकाबला मजबूती से कर रहे हैं। देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से अन्याय, महंगाई, नफरत और बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा कर जन जागरण का काम कर रहे हैं। राजनीति में मुकाबला इस तरह डटकर किया जाता है। आज देश में हर संस्थान पर दबाव है और हर व्यक्ति तनाव का माहौल महसूस कर रहा है। इस तनाव और दबाव का मुकाबला करना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस ही इस देश के लोकतंत्र को मजबूत और सुरक्षित रख सकती है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। यह है राहुल गांधी की हिंदू विरोधी इंडी गठबंधन। अधर्मी पोस्ट करने वाली अभिनेत्री को टीएमसी ने अब जादवपुर सीट से सायोनी घोष को मैदान में उतारा है। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वालों को धड़ल्ले से टिकट दी जा रही है। सही समय है इंडी गठबंधन को देश उखाड़ फेंकने का। सायोनी घोष लोकसभा 2024 चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार के रूप में पश्चिमी बंगाल के जादवपुर से चुनाव लड़ेगी। कृपया अपना वोट सभ्य एवं समझदार को दे, जिससे सभ्य समाज का निर्माण हो सके। अधिकतर राजनीतिक दल यही कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनकी नजर में हिंदू आस्था का कोई मोल नहीं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को रविवार को बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछा दी है। टीएमसी ने प्रदेश में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। सीएम ममता की पार्टी ने बंगाल के जादवपुर से अभिनेत्री सायोनी घोष को उम्मीदवार बनाया है। सायोनी घोष इससे पहले शिवलिंग पर भद्दा फोटो डालकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा चुकी है। सायोनी को यहां अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती की जगह उतारा गया है। चक्रवर्ती ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। सायोनी की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद उनके पुराने कारनामे सामने आए हैं। सायोनी के एक्स पहले ट्विटर पर 2015 में किए गए एक हिंदू विरोधी ट्वीट को याद दिलाया जा रहा है। फरवरी 2015 में सायोनी ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट किया था, जिसमें एक महिला हिंदुओं के लिए आराध्य शिवलिंग पर गलत चीज चढ़ाते दिखती है। सायोनी ने शिवलिंग वाले इस अपमानजनक ट्वीट पर लिखा, गॉड्स कुड नॉट हैव बीन मोर यूजफुल, भगवान इससे ज्यादा उपकारी नहीं हो सकते। उनके इस ट्वीट को लेकर काफी बवाल मचा था। यह ट्वीट 2021 में दोबारा वायरल हो गया था। सायोनी पर इस ट्वीट के कारण FIR भी करवाई गई थी। सायोनी घोष ने लोगों के विरोध को दबाने के लिए एक तर्क दिया था कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है, इसलिए किसी और ने यह ट्वीट किए। सायोनी ने दावा किया था कि उन्हें अपना अकाउंट 2017 के बाद वापस मिल सका। हालांकि लोगों ने उनके द्वारा इसी अवधि में किए गए निजी ट्वीट भी दिखा दिए और प्रश्न पूछा कि भला कोई हैकर ऐसे ट्वीट क्यों करेगा। लोगों ने उनके फिल्म संबंधित ट्वीट भी सामने रखकर सायोनी से प्रश्न पूछे थे। सायोनी के खिलाफ भाजपा नेता और त्रिपुरा तथा मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा था कि वह एक शिव भक्त है और सायोनी के ट्वीट से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। सायोनी के विरुद्ध गुवाहाटी में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। सायोनी को लोकसभा टिकट दिए जाने के बाद टीएमसी पर प्रश्न उठ रहे हैं। हालांकि सायोनी के यह ट्वीट सामने आने के मात्र 2 महीने बाद मार्च 2021 में ही टीएमसी ने उन्हें इनाम दिया था और आसनसोल दक्षिण से विधानसभा उम्मीदवार बनाया था। वे भाजपा की अग्निमित्रा पोल से चुनाव हार गई थी। सायोनी पश्चिमी बंगाल में युवा तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष भी है। सायोनी को लोकसभा टिकट मिलने के बाद लोग प्रश्न उठा रहे हैं, क्या कि हिंदू धर्म पर अपमानजनक तस्वीर डालने के बाद भी उन्हें उम्मीदवार क्यों बनाया जा रहा है। क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।
आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक्ट्रेस संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। टीवी एक्ट्रेस संभावना सेठ ने बीते साल जनवरी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। संभावना सेठ को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका ऐलान किया है। हालांकि संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि वह भी इंसान है और उनसे बड़ी गलती हो गई, इसका उन्हें एहसास हो रहा है, इस वजह से वह अंततः पार्टी छोड़ रही है। बता दें कि संभावना सेठ ने पिछले ही साल आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। आम आदमी पार्टी को छोड़ने की घोषणा करते हुए एक्ट्रेस संभावना सेठ ने एक्स पर एक पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में संभावना सेठ ने लिखा कि आम आदमी पार्टी में शामिल हुए मुझे एक साल हो गया। एक साल पहले अपने देश की सेवा करने के लिए बहुत उत्साह था, लेकिन चाहे आप कितनी भी समझदारी से निर्णय ले, आप भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि अंततः हम इंसान हैं। अपनी गलती का एहसास करते हुए मैं आधिकारिक तौर पर आपसे बाहर निकलने की घोषणा करती हूं। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डॉक्टर संदीप पाठक को टैग भी किया है। अब संभावना की इस पोस्ट पर लोगों ने कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, भगवान का शुक्र है, क्या आपको इस बात का एहसास हुआ। एक ने लिखा, अच्छा किया मैं, राजनीति से दूर रहना ही अच्छा है। इसके अलावा उनके फैंस और करीबियों ने भी इस फैसले पर खुशी जताई और दोबारा किसी पार्टी को ज्वाइन न करने की सलाह दी। हालांकि बीच में कुछ ऐसे भी यूजर्स थे जो एक्ट्रेस को बीजेपी का हिस्सा बनने की भी नसीहत दे रहे थे। संभावना सेठ ने टीवी से लेकर फिल्मों तक में काम किया है। संभावना सेठ ने 400 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ऐसे में कभी भी चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में जहां आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं हरियाणा में भी 1 सीट पर आपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। इस बीच संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में उतर रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे ने हलचल मचा दी। शनिवार को उन्होंने अचानक इस्तीफे का ऐलान किया तो चर्चाएं शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि अरुण गोयल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मतभेदों के चलते हुए ये कदम उठाया है। इस बीच कांग्रेस ने यह भी सवाल किया कि इस्तीफे की वजह वाकई सीईसी के साथ मतभेद है या फिर अरुण गोयल भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अरुण गोयल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अरुण गोयल लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है, इसलिए इन्होंने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अरुण गोयल चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव आयुक्त का पद छोड़ने वाले अरुण गोयल के लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की अटकलें हैं और वे चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय संविधान की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार वे अब चुनाव लड़ने के योग्य हो गए हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार सरकारी पद पर रहते हुए कोई शख्स चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन अरुण गोयल सरकारी पद छोड़ चुके हैं, इसलिए वे अब चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी इस्तीफा दिए जाने के बाद 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में अब 2 पद खाली हो गए हैं। इससे पहले चुनाव आयुक्त अनूप कुमार पांडे 15 फरवरी 2024 को रिटायर हुए थे। सूत्रों के मुताबिक 1985 बेंच के आईएएस अफसर और चुनाव आयुक्त रह चुके अरुण गोयल पंजाब से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने के इच्छुक हैं। उनकी नजदीकियां शिरोमणि अकाली दल के साथ है। उन्होंने भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच सुलह कराने में अहम भूमिका निभाई थी। शिरोमणि अकाली दल भाजपा के एनडीए गठबंधन का सहयोगी था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते दोनों के बीच दरार आ गई थी। उस समय अरुण गोयल ने मध्यस्थता करके दोनों पार्टियों के बीच सुलह कराई थी।
इसी का तोहफा उन्हें मिलने की संभावना राजनीतिक विशेषज्ञों ने जताई है। अब यह तोहफा भाजपा देगी या अकाली दल, वक्त बताएगा। गोयल के इस्तीफे के बाद पूछे जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि वह आने वाले दिनों में क्या करते हैं। उन्होंने कहा, मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में सोच रहा था जो इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए और टीएमसी को गाली देना शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि भाजपा ने ऐसी मानसिकता वाले लोगों को नियुक्त किया है। अब चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है, हमें यह देखने के लिए कुछ समय इंतजार करना चाहिए कि वह क्या करते हैं। नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नामों को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक 15 मार्च 2024 को होगी। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की पिछले महीने सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से निर्वाचन आयुक्तों के दो पद खाली हो गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल है। समिति की बैठक 15 मार्च को होगी और निर्वाचन आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिए नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि पांडे की सेवानिवृत्ति और गोयल के आश्चर्यजनक इस्तीफे से बनी रिक्तियों को भरने के लिए दो नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 15 मार्च तक होने की संभावना है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।